हेलो फ्रेंड्स, आपका स्वागत है हमारे चैनल में जिसका नाम है प्रॉफिट ट्रेडर्स। तो दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं बिटकॉइन और इथेरियम का नेक्स्ट मूव क्या है, और इसके अलावा आज हम बात करने वाले हैं कूकॉइन एक्सचेंज की। आपको याद होगा कल के वीडियो में मैंने बोला था कि हम लोग कूकॉइन एक्सचेंज के बारे में बात करेंगे, तो आज का जो पूरा हमारा वीडियो रहेगा वो बिटकॉइन और इथेरियम के बाद उसी एक्सचेंज को डेडिकेटेड रहेगा, और हम देखेंगे कि क्या फायदे हैं हमें कूकॉइन एक्सचेंज के ऊपर अकाउंट बनाने के। ओके, तो चलिए बिना वक्त जाया किए हम आज का वीडियो शुरू करते हैं। ओके फ्रेंड्स, तो सबसे पहले जो हमने कल बिटकॉइन की बात की थी, आप देखिए बिटकॉइन अभी भी जो है वो 0.786 को तोड़ नहीं पा रहा है, इसीलिए फिलहाल हमें इस पे शॉर्ट टर्म बुलिश नहीं होना चाहिए। हमें वेट करना चाहिए कि वो 0.786 को तोड़े और ऊपर जाए। अगर नहीं जाता है तो हमें जो है वेट करना है उसे हमारे ये बाइंग जोन पे आने का। ये शॉर्ट के लिए, अगर किसी को शॉर्ट ओपन करना है तो उनके लिए ये एक ट्रेड है। मैं पर्सनली शॉर्ट ओपन नहीं करूंगा, क्योंकि लास्ट टाइम भी अगर आपको याद हो तो हमने शॉर्ट ओपन किया था, बट हमें वो स्टॉप लॉस हमारा ट्रिगर हो ही गया था। तो बुल मार्केट में स्टॉप लाइक शॉर्ट करके कोई पॉइंट है नहीं। तो यहाँ तो अगर आप शॉर्ट करना चाहते हैं तो ये आपके दो टारगेट्स रहेंगे। अगर इन केस आप शॉर्ट नहीं करना चाहते और आप भी एक डिप का वेट कर रहे हैं, मतलब अगर आप डे ट्रेडर्स नहीं हैं, आप भी मेरी तरह स्विंग ट्रेडर्स हैं, तो मैं वही कहूंगा कि वेट करें, इसे क्रैश होने दे हमारे टारगेट में जो रहेगा $54,000 का, और वहां से हम इसे वापस बाय करेंगे और हम लॉन्ग में प्रॉफिट बनाएंगे। हमें शॉर्ट में प्रॉफिट बनाने की जरूरत नहीं है। अगर आपको याद हो तो हमारे पिछले ट्रेड ने भी जो है हमें अच्छा खासा प्रॉफिट दिया था। अब देखिए ये 10% का प्रॉफिट था, तो हम लोगों ने 6 या 7% पे क्लोज किया था क्योंकि वो रिवर्स हुआ। तो वैसा ही हमें अभी भी वेट करना चाहिए और एक अच्छा ट्रेड हमें लेना चाहिए। ओके, तो ये तो है आपके सामने बिटकॉइन का चार्ट। ओके, तो अभी भी हम लोग वही 0.786 पे है। अभी वीकेंड आ रहा है, तो वीकेंड में हमेशा बिटकॉइन ऐसा करता ही है कि आपको फेक मूव्स मिलते हैं। तो अभी भी मुझे इंट्यूशन है कि ये इसको ब्रेक करेगा, अपने ऑल टाइम हाई को भी तोड़ेगा, और ये हमें अच्छा खासा 65-66,000 तक एक पुश देने वाला है। लेकिन वीकेंड है तो मैं वही आपको कहूंगा कि रिस्क मत ले, क्योंकि मंडे जब पूरा मार्केट ओपन होता है तभी ट्रेड लेके पॉइंट है। ओके, इन केस अगर ये डिप होता है तो इट्स अ गुड अपॉर्चुनिटी कि आप उसे खरीद लें। बिटकॉइन के बाद हमारा जो दूसरा कॉइन है इथेरियम, तो आप देखिए इथेरियम का भी कल हमने ये बोला था कि ये हेड एंड शोल्डर बना रहा है, बट आप देखिए तो ये नीचे आने की जगह वापस ऊपर चला गया है, जिससे हमें ये समझ में आ रहा है कि ये डेफिनेटली अपने शोल्डर के हाई को तोड़ देगा और ये जो पैटर्न है ये वैलिडेट नहीं होगा। ओके, तो हमें स्टिल वेट करना है। मैं वही आपको कह रहा हूँ, क्योंकि फ्राइडे है, वीकेंड आ रहा है, तो रिस्क नहीं लेंगे हम लोग ट्रेड ओपन करके। बट इन केस अगर अभी आप देखिए तो वो इस अगर लाइन को ब्रेक करता है, बेसिकली बिटकॉइन ही इसका भी प्राइस डेराइव करेगा, और मुझे लग रहा है कि बिटकॉइन ऊपर जाएगा तो ये भी अपने ऑल टाइम हाई को छूने ही वाला है। बट अगेन, ये इतने शॉर्ट टर्म के लिए रिस्क लेना समझदारी नहीं है। ओके, क्रैश होता है तो जरूर इकट्ठा करें, बट अगर ऊपर जाता है तो चेज करने की कोशिश ना करें। ओके, हम मंडे को ही इसमें ट्रेड ओपन करेंगे जब हमें समझ में आएगा कि हाँ, इसने अपने ऑल टाइम हाई को तोड़ दिया, रीटेस्ट किया और फिर ऊपर गया। ओके, तो ये तो बात हुई दोस्तों बिटकॉइन और इथेरियम की। अब हम बात करते हैं कूकॉइन की। ओके, तो कूकॉइन जो है, अगर आप ये कॉइन मार्केट कैप पे भी अगर आप एक्सचेंजेस में जाके देखेंगे तो कूकॉइन जो है वो दुनिया के टॉप 5 एक्सचेंजेस में आता है रेटिंग्स के बेसिस के। मतलब ये इतना अच्छा है कि लोगों के रिव्यूज के बेसिस पे ये बहुत ही अच्छा एक्सचेंज है। और अगर आप ये ऊपर के 4 एक्सचेंजेस देखते हैं, ओके, बिनेंस यूएस के लोगों को फ्यूचर ट्रेडिंग नहीं करने देता। ओके, तो उनको उसके लिए उन्होंने एक अलग एक्सचेंज बना के रखा है binance.us, बट उस पर फ्यूचर्स नहीं है। कॉइनबेस प्रो फ्यूचर्स नहीं है, क्रैकन यूएस वालों के लिए नहीं है, हुआबी भी नहीं है। कूकॉइन ही एक लौता ऐसा एक्सचेंज है जो यूएस वालों को फ्यूचर ट्रेडिंग करने का ऑप्शन देता है। तो आप देखिए यूएस से ही मोस्टली हमें क्रिप्टो करेंसी में पैसा आता है, मतलब वहां ढेर सारे इन्वेस्टर्स हैं। तो जो भी फ्यूचर ट्रेडिंग करना चाहेंगे तो उनके लिए या तो ऑप्शंस क्या है, डेक्सेस पे जाके करें या फिर सेंट्रलाइज्ड एक्सचेंज कूकॉइन पे करें। डेक्स पे करने का डिसएडवांटेज क्या है कि आप हर ट्रेड के लिए $100 या $50 या $70 की गैस फीस नहीं देना चाहते। ओके, तो ये सबसे बेस्ट ऑप्शन है। और अगर आप देखेंगे तो इसका जो डेली वॉल्यूम है वो $1 बिलियन का है।
डेली का वॉल्यूम, ओके, तो बहुत ही अच्छा एक्सचेंज है। उसके बाद अगर मैं आपको इसके ऊपर कॉइन्स बताऊं तो ये मैं पेज स्क्रॉल करता करता थक जाऊंगा, लेकिन ये कॉइन्स खत्म नहीं होंगे। आप देखिए हर कॉइन है इस पे, छोटा से लेके बड़ा, सब A to Z सब के सब कॉइन, आप कॉइन्स का नाम ले वो इस पे है, ओके। और ये सब कॉइन्स अगर आप देखेंगे तो यहाँ पे ये 400 है, आप लोड मोर करेंगे तो और आते जाएंगे, तो यहाँ पे ढेर सारे कॉइन्स है। अब हमें ये तो पता है कि जो भी हमें एसेट्स खरीदने हैं वो कूकॉइन पे अवेलेबल है, लेकिन इसका फीस इसकी क्या है, ओके। तो अगर आप इसकी फीस देखेंगे तो इनके अलग अलग लेवल्स है। मतलब अगर आपका जो होल्डिंग है वो कोकॉइन का 0 है, ओके, या फिर आपका जो ट्रेड वॉल्यूम है वो BTC 50 BTC से कम है, तो आपकी जो फीस रहेगी वो 0.1% रहेगी। 0.1 मतलब अगर आप 100 रुपए की ट्रेडिंग कर रहे हैं तो आपकी जो फीस रहेगी वो सिर्फ 10 पैसे रहेगी, तो जो बहुत ही कम है, राइट। तो आप देखिए कि ये इतना सस्ते में आपके ट्रेड्स हो जाएंगे, आपको डेक्सेस की तरह ढेर सारा पैसा नहीं देना है। और अगर आप 50% आप अगर KCS से फीस पे करते हैं तो वो और भी कम है, ओके। और अगर आप लेवल आगे बढ़ते जाते हैं तो फीस वो और भी कम होती जाती है। तो ये तो बात हुई इनकी फीस की, ओके। और अगर आप इसके अलावा अगर आप देखेंगे इनका ट्विटर भी, तो आप देखिए ये काफी एक्टिव है ट्विटर पे भी, अच्छी खासी फॉलोइंग है, 5 लाख, ऑलमोस्ट 5 लाख इनके फॉलोअर्स हैं, ओके। उसके अलावा ये डेली जो है कॉम्पिटिशन वगैरह करवाते रहते हैं, आप देखिए तो बोनसेस देते हैं, तो बहुत ही स्ट्रॉन्ग जो है फंडामेंटल्स अपडेट और इनकी कम्युनिटी और इनका ये ऐसा मार्केटिंग बहुत ही अच्छा, बहुत ही स्ट्रॉन्ग है, और ये सेफ भी है। ये 2017 में आई थी, एक बार हैक जरूर हुई है, लेकिन इन्होंने सबके पैसे वापस कर दिए थे, ओके। तो ऐसा कोई डरने वाली बात भी नहीं है। और इसके अलावा अगर आप इनकी वेबसाइट देखेंगे दोस्तों, तो आप यहाँ जाके अगर आप साइन अप करना चाहे तो कर सकते हैं, महज सिर्फ 10 सेकंड में आप साइन अप कर सकते हैं। उसके बाद ये वेरिफिकेशन मांगता है, जो जिसमें भी ज्यादा टाइम नहीं लगता है, एक दिन में आपका वेरिफिकेशन भी हो जाता है, ओके। और मैं वही सलाह दूंगा कि आप वेरिफिकेशन जरूर करें, क्योंकि एक्सचेंजेस शायद उन यूजर्स को ब्लैकलिस्ट कर दे जो अपना KYC प्रोवाइड नहीं कर रहे हैं, ओके। एनीवेज फ्यूचर में हमें इसके लिए क्रिप्टो पे भी टैक्सेस देने ही है, तो हमें बता के करने में ट्रेडिंग कोई हर्ज नहीं है। अगर आप प्रॉफिट बना रहे हैं तो टैक्स देने में भी कोई दिक्कत नहीं है, तो जरूर अपना KYC अपडेट करें, ओके। तो अगर आप इनकी वेबसाइट देखते हैं, ओके, तो इसमें ढेर सारे ऑप्शंस हैं, न्यूज भी बताते हैं, जो जो कॉम्पिटिशन चल रहे हैं उनके बारे में भी बताते हैं, ये इनकी मार्केट के ऊपर, जैसे मैंने आपको पहले भी बताया कि उनके ढेर सारे जो है कॉइन्स लिस्टेड है, ओके। लेकिन इनका जो हाईलाइट है वो क्या है दोस्तों, वो है ये अर्न में जाके अगर आप देखेंगे, ट्रेड तो इनका नॉर्मल है, आप देखें स्पॉट ट्रेडिंग है, इंस्टेंट एक्सचेंज है, मार्जिन ट्रेडिंग है, उसके बाद इनका फ्री का ट्रेडिंग बॉट है जो आपको फ्री के स्ट्रेटजीज देता है, मतलब आपको कोई और इंसान नहीं चाहिए जो आपको बताए कि कहाँ खरीदना है कहाँ बेचना है, इनके फ्री के बॉट्स है जो जिनको आप जाके देख सकते हो, और वो आपको कहाँ बाय कहाँ सेल उसके ऑप्शंस देते हैं, आप इनके APIs यूज कर सकते हैं, ओके। और ट्रेड और ये अभी अगर आपको इनकी वेबसाइट पे क्रिप्टो खरीदना भी है तो उसके भी ढेर सारे ऑप्शंस है, तो आप सीधा क्रेडिट कार्ड से भी बाय कर सकते हैं, पीयर टू पीयर मतलब कोई दूसरा USDT बेच रहा है या कोई और कॉइन बेच रहा है तो आप उससे वो कॉइन खरीद सकते हैं, या फिर आप अपने बैंक से भी ये कॉइन्स जो है खरीद के इस पे ट्रेडिंग कर सकते हैं, ओके। और इसके बाद जो मेजर इनका ये एडवांटेज है वो ये है, क्रिप्टो लेंडिंग, पूल एक्स, सॉफ्ट स्टेकिंग, KCS बोनस और रेफरल। रेफरल तो आपको पता है, मैं आपको ये चार चीजें समझाना चाहता हूँ जो बहुत ही जरूरी है और ये एक्सचेंज प्रोवाइड करता है। तो सबसे पहले हम लोग देखते हैं ये पूल एक्स और सॉफ्ट स्टेकिंग क्या है, ओके। तो अगर आप अभी ये सॉफ्ट स्टेकिंग देखेंगे तो इसमें वो क्या कहता है कि मान लीजिए आपने मैं इसमें से आपको कोई अच्छा कॉइन बताता हूँ जो आपको पता है, कुसामा, ओके। तो आपने कुसामा कॉइन खरीद लिया, ओके। तो अभी आपने क्या किया, आपको उसको अपने ऑफलाइन वॉलेट में नहीं लेना है, ओके। तो आपने क्या सोचा कि चलो ठीक है मैं एक्सचेंज के वॉलेट में ही रखता हूँ। तो अगर आप एक्सचेंज के वॉलेट में रखते हैं तो आप वहां स्टेकिंग एनेबल कर सकते हैं, जिसकी वजह से क्या होगा कि आपको एनुअली 6 से 8% का प्रॉफिट जो है, स्टेकिंग रिवॉर्ड जो है वो मिलते रहेंगे। इसे कहते हैं दोस्तों कंपाउंडिंग,
आपने एक ही कुसामा कॉइन खरीदा, लेकिन हर साल उसमें 6 से 8% का आपको प्रॉफिट मिलता रहेगा, जिससे आपका वो कुसामा कॉइन जो है, आज शायद एक ही कॉइन है, लेकिन एक साल के बाद वो 1 पॉइंट समथिंग कुछ हो जाएगा। नेक्स्ट ईयर जो है वो 1 पॉइंट पे कुछ 5 से 6 से 8% का आपको रिवॉर्ड मिलेगा, जिससे वो और बढ़ जाएगा। तो आप देखिए, आपका पैसा खुद ब खुद आपके लिए पैसा बनाएगा। तो ये तो अगर आप देखेंगे तो बहुत कम है कुसामा का, 6 से 8। आप यूएसडीएन पे देखिए, मतलब आपको पता ही है ये $1 का ही रहने वाला है। और इस पे आपको 8 से 15% का रिटर्न मिल रहा है। आप अगर देखेंगे तो इंडिया में अच्छे से अच्छे म्यूचुअल फंड्स भी जो है वो इतना रिटर्न देते हुए, मतलब हिचके, मतलब वो भी नहीं दे पाते। हिचकिचाते तो क्या है कि वो भी नहीं दे पाते, क्योंकि मार्केट कई बार इतना अनस्टेबल रहता है। लेकिन आपको यहाँ पता है कि ये कॉइन का वैल्यू हमेशा $1 ही रहेगा, तो ये एक आपके फिक्स डिपॉजिट की तरह हो गया, जिसमें आपका पैसा उतना ही रहेगा, लेकिन उसके ऊपर अच्छा खासा आपको एनुअल रिटर्न मिल रहा है, और वो कंपाउंडिंग होता जा रहा है। 15% यूएसडीएन पे है ये। हाइड्रा थोड़ा रिस्की है, लेकिन देखिए 170 से 180%, मतलब मान लीजिए अगर हम लोगों ने ₹1,000 के भी हाइड्रा खरीद के छोड़ दिए, और उस पे 170 या 180% का अगर रिटर्न आ रहा है, तो हर साल आपका ₹1,000 जो है वो ₹1,700 होता जाएगा। 1,700 से 1,800, मतलब हर साल आपका पैसा डबल होगा। तो ये ऑप्शन आपको हर जगह नहीं मिलता, लेकिन मैं फिर वही कहूंगा, अभी हाइड्रा कैसा कॉइन है वो मुझे नहीं पता, ये स्टेबल कॉइन है। कुसामा बहुत ही अच्छा कॉइन है, ट्रॉन अच्छा कॉइन है, वेव्स अच्छा कॉइन है, पोलका डॉट आपको पता है ये इतना स्ट्रॉन्ग कॉइन है, फिर ये हार्मनी अच्छा कॉइन है। तो आप देखिए कि ये कितने आपको इसी में ही सॉफ्ट स्टेकिंग, और ये नहीं कि आपका पैसा ज्यादा देर के लिए ब्लॉक हो रहा होगा, उसमें आपको टर्म्स में बताएगा वो कितने दिन के लिए ये कॉइन को ब्लॉक करेंगे जब आप उसको स्टेकिंग को कैंसिल करेंगे। पर आप देखिए कि कितने अच्छे अच्छे आपके पास ऑप्शन है। तो ये तो हुआ सॉफ्ट स्टेकिंग। इसके बाद हम बात करते हैं पूल एक्स स्टेकिंग। तो इसमें आपको क्या खरीदना है, इसमें भी आपका सेम वैसा ही रहेगा, लेकिन इसमें रिडेम्पशन पीरियड रहता है। अभी सॉफ्ट स्टेकिंग में तो आपने डाला तो उसमें प्रॉफिट्स कम मिलेंगे, जैसे यहाँ आप देखिए डॉट का इसमें 11.11% है, राइट। बट अगर आप यहाँ पे पोलका डॉट देखेंगे सॉफ्ट स्टेकिंग में, मतलब जिसमें आपको पता है कि आपको थोड़े ही टाइम के लिए ट्रेड करना है, तो 5 से 14% वो वेरी करता है। लेकिन इसमें आपका फिक्स है 11.11%, लेकिन आपका पैसा जो है वो 28 दिन के लिए लॉक हो जाएगा। मतलब अगर आपने स्टेकिंग स्टार्ट कर दिया और फिर आपको हुआ कि नहीं यार अभी मुझे स्टेकिंग नहीं करना, और आपने अनस्टेक पे क्लिक किया, तो आपका ये जो पोलका डॉट है इसको वापस आपके अकाउंट में आने में या फिर उसको अनफ्रीज होने में 28 दिन लग जाएंगे। फिर वैसा ही कि मतलब ठीक है कि अगर आपको पता है कि आप लॉन्ग टर्म नहीं खरीद रहे हो, जैसे मैंने हमारे पिछले वीडियो में भी बोला था, पोलका डॉट ऐसा कॉइन है जिसको आप बेचने के लिए मत खरीदिए, इसे स्टोर करिए, क्योंकि ये नेक्स्ट इथीरियम है, और ये शायद इथीरियम से भी बड़ा कॉइन। तो ये बहुत अच्छा है, और इसके ऊपर जो चल रहा है वो है कुसामा। तो ये दोनों कॉइन बहुत ही अच्छे है। तो आप देखिए, ये आपका स्टेकिंग जो है पूल एक्स स्टेकिंग है, जहां रिडेम्पशन आपको टाइम जो लगेगा, लेकिन आपके जो रिवॉर्ड्स है वो बहुत अच्छे हैं। हाइड्रा यहाँ पे भी सिर्फ एक ही दिन है, तो मतलब ये अभी मुझे नहीं पता ये कौन सा कॉइन है, ये डेफिनेटली हमें रिसर्च करना पड़ेगा। बट आप देखिए कि कितने अच्छे अच्छे इस पे स्टेकिंग रिवॉर्ड्स है। आप ORN के देखिए तो 20% है, मतलब आर फ्यूल देखिए 20%, तो एल्गो देखिए, तो आपके पास बहुत ही अच्छे अच्छे जो यहाँ पे स्टेकिंग रिवॉर्ड्स है। तो ये तो बात हो गई दोस्तों यहाँ पे पूल एक्स और सॉफ्ट स्टेकिंग की। अब हम बात करते हैं क्रिप्टो लेंडिंग की। ये एक और इतना अच्छा फीचर है। आप देखिए, अभी आप क्या करते हैं, कई बार आप टोकन्स खरीद लेते हैं लेकिन आपको वो ट्रेड नहीं करने, तो आप क्या कर सकते हैं, अपने टोकन्स दूसरे को लेंड करते हैं। अभी जो आवे, आपने नाम सुना होगा टोकन का, जो लेंडिंग जिसने लॉन्च किया या मतलब इन्वेंट किया क्रिप्टो में, आई एम सॉरी, तो वो लेंडिंग क्या करता है कि आप क्या करते हैं, अपना एसेट्स किसी को उधार पे देते हैं और वो आपको उसका इंटरेस्ट देता है। तो यहाँ पे ये सारा काम जो है वो एक्सचेंज वाले ही आपको करके देंगे। अगर आपको मार्जिन ट्रेडिंग पता है, तो मार्जिन ट्रेडिंग में आप क्या करते हैं, आप एक्सचेंज से एसेट्स बोरो करते हैं।
और एक्सचेंज क्या करता है, कितने आपके पास फंड्स हैं उसके बेसिस पे ही वो आपको बोरो करने देता है, और अगर आपके फंड्स कम होते हैं तो एक्सचेंज आपको लिक्विडेट करके अपने जो फंड्स है वो वापस आपसे निकलवा लेता है। तो वैसे ही है यहाँ पे, तो एक्सचेंज क्या बोल रहा है कि आप अपने जो टोकन्स है वो आप एक्सचेंज को लेंड करने का ऑप्शन दे, ताकि वो आगे उनको लेंड करें, उससे जो इंटरेस्ट मिलेगा वो आपको वापस करेंगे। तो आपके पास लेंडिंग करने के लिए भी ढेर सारे कॉइन्स, आप USDT, बिटकॉइन, ETH, EOS, लाइटकॉइन, XRP, ADA, तो देखिए ढेर सारे कॉइन्स ऐसे हैं जो आप खरीद के लेंडिंग के लिए दे सकते हैं। तो इसमें भी क्या होता है कि बैठे बैठे आपको पैसा बन के दे रहा है। ओके, तो ये एक फीचर हो गया। और लास्ट जो है इसमें वो है कुकॉइन बोनसेस। तो अगर आप KCS टोकन खरीदते हैं, ओके, तो ये आपको उसका भी अच्छा खासा बोनस देता है। मैंने अभी कहीं तो देखा था, वो आपको डेली दे ट्राई टू प्रोवाइड कि आपको वो $20 के ऊपर $3 या $4 का जो है वो आपको वो स्टेकिंग रिवॉर्ड्स, $3 से $4 नहीं होंगे, लेकिन हाँ ऐसा $1.5 या $2, $20 के ऊपर शायद $1 दे रहे हैं। मैंने कहीं तो वो ऐड देखा था, अभी मुझे वो मिल नहीं रहा है, तो मैं लेकिन जरूर वो रिसर्च करके आपको बताऊंगा। पर वो भी अच्छा है, अगर आप इनका टोकन लेके बैठे हैं तो ये आपको अपने और टोकन देते जा रहे हैं। और अगर मैं आपको कुकॉइन चार्ट्स के ऊपर दिखाऊंगा, ये मैंने पहले भी बोला था, ये मैंने पहले भी पोस्ट किया था कि मैं इस टोकन के ऊपर बहुत बुलिश हूँ। उसका कारण क्या है, ये चार्ट अगर आप देखेंगे तो हमने 2018 से लेके 2021 तक हमने कंसोलिडेट किया है 3 साल। तो आप देखिए ना, ये आप एक ही रेंज था इसका, ये $2.5 से ये 16-17 सेंट्स, वैसे उतना नीचे नहीं गया है, ये कुछ ज्यादा ही नीचे मैंने बना दिया है, बट अगर आप देखेंगे तो ये $1.5-$2 उसी रेंज में ये स्टेबल रहा है कॉइन। और अभी फाइनली अगर आप देखेंगे तो हमें ब्रेकआउट मिला है, राइट। और आप देखेंगे तो ये जो है हमारा लास्ट रेजिस्टेंस है, जिसे अगर हम ब्रेक करते हैं तो उसके बाद हमारे पास कोई रेजिस्टेंस नहीं है, तो हम सीधा यहाँ से $21 पे जाएंगे। और आप देखिए यहाँ से भी करंट प्रॉफिट जो रहेगा वो आपको 300% का रहेगा, और ये एक बार अगर अपने ऑल टाइम हाई के पास जाएगा तो ये वहां रुकेगा नहीं। इसकी वजह क्या है, आप यहाँ देखिए, ये था BNB का टोकन, ओके। तो बिनेंस ने भी क्या किया, उनका भी 2018 से 2021 तक एक अच्छा खासा कंसोलिडेशन था, कंसोलिडेशन टूटा, प्रीवियस हाई टूटा, और कितने परसेंट रिटर्न आया, आप अगर यहां से ये यहां देखेंगे तो 750%, ओके 750%। और ये क्यों आया, अब ये एक्सचेंजेस क्या करते हैं, इनके पास अगर आप देखेंगे तो ये फ्यूचर्स या फिर ये लेंडिंग या फिर ये मार्जिन ट्रेडिंग के ऑप्शंस यूजर्स को देते हैं। अब यूजर्स क्या करते हैं, जब वो सब ट्रेडिंग करते हैं, ओके, तो ये एक्सचेंजेस को फीस तो जरूर देते हैं, लेकिन अगर जब ये लिक्विडेट होते हैं, मतलब अगर ट्रेडर गलत होता है और वो अमाउंट लिक्विडेट होता है, तो वो पूरा का पूरा पैसा एक्सचेंज के पास जाता है, पूरा का पूरा पैसा। अब अगर एक्सचेंज को इतना प्रॉफिट हो रहा है तो वो क्या करता है, अपने कॉइन्स को खरीदता है और उनको बर्न करता है, मतलब किसी ऐसा कोड हार्ड वॉलेट में डाल के फेंक देता है, जिससे उसका सर्कुलेटिंग सप्लाई कम हो जाएगा, ओके। अभी सप्लाई कम हुआ, मार्केट कैप ज्यादा है, तो कॉइन का वैल्यू ऑटोमेटिकली बढ़ जाएगा। तो ऐसे कॉइन में भी देखेंगे तो सेम वैसा ही है, हम लोगों ने कंसोलिडेशन किया है अच्छा खासा, अब कंसोलिडेशन के बाद हमें हमारे ऑल टाइम हाई को तोड़ना है। अगर हम अपने ऑल टाइम हाई को तोड़ते हैं तो ने अगर आप देखें तो 700% का प्रॉफिट दिया था। अगर ये आपको अपने ऑल टाइम हाई से 700% का प्रॉफिट देता है, ओके, तो ये तो 200 पे ही 70-80% हो गया है। अभी हम क्या करते हैं, वापस से यहाँ 700 नहीं, हम सिर्फ 500 लेते हैं, हमें ज्यादा वो नहीं। तो अगर आप 500% का भी प्रॉफिट देखते हैं तो एग्जैक्ट $100 पे जाके बैठता है, एग्जैक्ट $100 पे, और वो बहुत इजिली अचीव करेगा ये एक्सचेंज, बहुत ही स्ट्रॉन्ग, बहुत ही बढ़िया। अगर आपको इसमें ट्रेड लेना है तो पहली बात तो डेफिनेटली इसमें ट्रेड नहीं, इसे एक्यूमुलेट करें, क्योंकि ये आपको बहुत अच्छा खासा प्रॉफिट देने वाला है, ओके। और अगर आप इसे खरीदना चाहते हैं ट्रेडिंग पर्सपेक्टिव से, आप सोच रहे हैं कि क्विक इन और क्विक आउट करना है, तो अगेन वैसा ही, हमारे लो से आप देखिए प्रीवियस हाई तक, ओके, और
ये शायद हमने रिवर्स करके रखा होगा, हाँ, और इसे 0.5 पे ले ले, 0.786 वाला नहीं है कि ये 786 तक नीचे जाएगा, एक्चुअली 0.5 से वो रिटर्न हो चुका ऑलरेडी। तो अगर ये यहाँ से एक मूव और नीचे देता है डबल बॉटम बनाने के लिए, तो वही आपका जो है वो परफेक्ट जोन रहेगा, बाइंग जोन, और उसके बाद आप इसे होल्ड करें, बिल्कुल मत बेचें, चाहे आप ट्रेडिंग के लिए भी इसे ले रहे हैं, मैं आपको वही कह रहा हूँ, ये आपको बहुत अच्छा खासा प्रॉफिट जो है यहाँ से देने वाला है। तो ये ऐसा डबल बॉटम बनाएगा और ऊपर की तरफ निकल जाएगा। तो अगर मैं डेली टाइम फ्रेम पे आपको बताऊं, हाँ ये देखिए, तो एक डबल बॉटम यहाँ से आप लेंगे और फिर ऊपर की तरफ, ओके। तो अगर आपको इस वीडियो पे कोई भी ऐसा सवाल रहे इस वीडियो में या कूपन में, या फिर आपको कैसे उसे साइन अप साइन इन करना है, या कैसे बाकी उसके फीचर्स यूज करने हैं, तो प्लीज हमारी वीडियो पे कमेंट करें, हम जरूर आपको उसका आंसर दें। तो अगर आपको आज का हमारा वीडियो पसंद आया है तो प्लीज हमारे वीडियो को लाइक करें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, और हमारे ये जो टेलीग्राम ग्रुप्स है इनको ज्वाइन करें, क्योंकि यहाँ पे हम ये डेली ट्रेड जो है वहाँ पोस्ट करते हैं, हम लाइव अपडेट देते हैं, और वहाँ बाकी सब ट्रेडर्स एक दूसरे की मिलके हेल्प करते हैं। तो मैं आशा करता हूँ आपसे फिर मुलाकात होगी। थैंक यू सो मच दोस्तों।